हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग हाँ जी बेटे इस वीडियो में मैं आपको ना तो कोई टॉपिक कवर करके दे रहा हूँ और ना ही मैं किसी कॉन्सेप्ट पे बात करूँगा मैं एक जनरल डिस्कशन करूँगा इस वीडियो में क्योंकि मेरे पास सीए इंटर सेकंड ग्रुप एडवांस्ड अकाउंट्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस हैं कि जिंदल सर थोड़ा सा गाइड कर दो कि सेकेंड ग्रुप एडवांस्ड अकाउंट्स की तैयारी कैसे की जाए जनरल सर फर्स्ट ग्रुप के लिए तो हमारे पास नाइन मंथ्स थे लेकिन सेकंड ग्रुप के लिए हमारे पास सिर्फ छः महीने हैं तो आप हमें थोड़ा सा अकाउंट्स को लेके गाइड करो कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कैसे निकालें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे लिए जा सके तो बेटे सारे बच्चों को पता है मैं इस तरह के डिस्कशंस बहुत कम करता हूँ लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा इस वीडियो में कि आपकी मैं थोड़ी सी हेल्प कर पाऊँ राइट मेहनत सारे बच्चे करते हैं लेकिन रिज़ल्ट सबका सेम नहीं आता क्योंकि हर बच्चे के पढ़ने के तरीके में डिफ़रेंस है और अगर आप मैं जो अभी डिस्कशन करूंगा आपके साथ अगर उससे थोड़ा सा आइडिया लेके अगर आप स्टडी शुरू करते हैं तो शायद आप थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ अपना सिलेबस तैयार कर पाएंगे और इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है कि बच्चे सिलेबस की तैयारी करते वक्त अपने दिमाग में क्लैरिटी लेके चलें कि हम कर क्या रहे हैं हमने कितने नंबर का पेपर तैयार कर लिया है और कितने नंबर का पेपर हमारा अभी बाकी है कितने मार्क्स का पेपर हम साथ लेके जा रहे हैं कितने मार्क्स का घर छोड़ के जा रहे हैं वो तो सारी बातें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा आपके साथ <coughs> काम करना है मेहनत करनी है लेकिन स्मार्ट वे में डू हार्ड वर्क इन अ स्मार्ट वे अपना तो सीधा सा फंडा है सर ये मेहनत करो लेकिन दिमाग लगा के करो सबसे पहली बात बेटे मैंने इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस पढ़ी तो मुझे सबसे पहली बात जो इंस्टीट्यूट के गाइडलाइंस में पढ़ने को मिली इंस्टीट्यूट ने आपका पूरा सिलेबस चार सेक्शंस में बांट रखा है बेटे इंस्टीट्यूट ने आपका पूरा सिलेबस चार सेक्शंस में बांट रखा है अब आप कहेंगे जिंदल सर चार सेक्शन ये चारों सेक्शन बेटे अलग अलग मार्क्स की वेटेज के साथ हैं इन्होंने आपके सिलेबस के चार टुकड़े कर दिए हैं और हर पोर्शन की अलग वेटेज है और उसमें ये भी डिफाइंड है कि इस सेक्शन में ये ये टॉपिक हैं और ये इतने नंबर के हैं तो सबसे पहले बच्चे को पढ़ाई शुरू करने से पहले इन चार सेक्शंस के ऊपर काम करना चाहिए कि इंस्टीट्यूट सिलेबस की रिक्वायरमेंट में ये चार सेक्शन क्या लेके आया है दूसरी बात आपको ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि हर सेक्शन की वेटेज कितनी है आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो कौन से सेक्शन में आता है और वो सेक्शन कितनी वेटेज का है सेक्शन की वेटेज आपको पता होनी चाहिए पता है ये जो सेकंड स्टेप है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है मैं बताता हूँ मान लो चार सेक्शन है बच्चे ने एक चैप्टर पढ़ लिया सेक्शन वन में से एक चैप्टर पढ़ लिया सेक्शन टू में से एक चैप्टर पढ़ लिया सेक्शन थ्री में से एक चैप्टर पढ़ लिया सेक्शन फोर में से सेक्शन कोई भी तैयार नहीं है और हमारी जो मार्क्स की कंप्लीशन स्टेज है वो जीरो परसेंट है नहीं समझे मान लो बेटे चार सेक्शन हैं मैंने एक सेक्शन उठाया जिसकी वेटेज है ट्वेंटी फाइव मार्क्स की और उसमें मान लेते हैं पांच टॉपिक हैं तो मैं आपको एक ही एडवाइस करूंगा कि पहले वो सेक्शन कंप्लीट करो अपना पहले वो सेक्शन कंप्लीट करो और जब तक वो सेक्शन कंप्लीट ना हो दूसरा सेक्शन स्टार्ट मत करो आपको स्टडी करनी चाहिए सेक्शन वाइज इससे क्या होगा आपको जैसे ही एक सेक्शन कंप्लीट होगा आपका आपको पता लग जाएगा कितने नंबर का सिलेबस आपने तैयार कर लिया है और जब आप दूसरे सेक्शन पे जाएंगे तो आपको ये भी पता होगा कि कितने मार्क्स का सिलेबस हम और तैयार करने जा रहे हैं और अगर कोई चैप्टर आप छोड़ के जा रहे हैं तो उसका क्या रिस्क है कितने मार्क्स का रिस्क आप उठा रहे हैं आपको पूरी जानकारी रहेगी तो मैं बच्चे को हमेशा एडवाइस करता हूँ कि इंस्टीट्यूट के सिलेबस के, के जो चार सेक्शन हैं हर सेक्शन की वेटेज पढ़ो और उसके अंदर स्टडी करो जब तक आपका एक सेक्शन कंप्लीट ना हो जाए दूसरे सेक्शन पे स्विच ओवर नहीं करना आपने ये नहीं है एक यहाँ से पढ़ लिया एक यहाँ से पढ़ लिया यहाँ कोई भी सेक्शन हमारा ढंग से तैयार नहीं है ये काम नहीं करना इनफैक्ट मैंने जो पेन ड्राइव क्लासेज आपको दी हैं उसमें भी आपको चैप्टर मार्क कर लेने चाहिए सेक्शन वाइज और उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ने चाहिए चाहे वो आपका मॉड्यूल वन का चैप्टर है चाहे वो मॉड्यूल टू का है क्योंकि मैं बच्चों को दो मॉड्यूल देता हूँ तो आप पहले चैप्टर्स को मार्क करो कि ये सेक्शन वन के हैं ये सेक्शन टू के हैं ये सेक्शन थ्री के हैं ये सेक्शन फोर के हैं और सेक्शन वाइज स्टडी करो आप मैं आपको अभी डिटेल में बताऊँगा सारी बात और आपका जो स्टडी प्लान है बेटे वो होना चाहिए सेक्शन वाइज एज पर सेक्शन इन द कोर्स वो बात मैं आपको बता चुका हूँ सेक्शन बाय सेक्शन पढ़ो और स्टडी मैट आपका कवर्ड होना चाहिए रिविजनरी टेस्ट पेपर आपके कवर्ड होने चाहिए मोक टेस्ट पेपर आपके कवर होने चाहिए और पास्ट एग्जामिनेशन आपके कवर होने चाहिए ये चारों चीज़ें आपके कवर होनी चाहिए और आपको पता है कि मैंने अभी रिसेंटली एक लिंक शेयर किया था टेलीग्राम चैनल पे उसमें सारे आर सारे एमटीपी सारे पास्ट एग्ज़ामिनेशन सारे मैंने वीडियोस आपको डाल के दिए और स्टडी मटेरियल वो हमारे मॉड्यूल्स में कवर्ड है सारा तो बेटे ये चार चीज़ें ये आपकी ज़िम्मेदारी हैं स्टडी मैट आर टी और पास्ट एग्जाम्स और एक मज़े की बात और है ये जो मैं आपके साथ स्ट्रेटी डिस्कस कर रहा हूँ मेरा सब्जेक्ट अकाउंटिंग है तो मैं अकाउंट्स पे बोल रहा हूँ लेकिन आप इस टेक्निक को सारे सब्जेक्ट्स पे लगा सकते हैं क्योंकि इंस्टीट्यूट ने सारे सब्जेक्ट्स के सेक्शन और उनके मार्क्स की वेटेज बता रखी है तो अगर हम एक स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं एक सब्जेक्ट में तो वही तरीका आप बाकी सब्जेक्ट्स में भी फॉलो कर सकते हैं तो कम से कम बच्चे को पता होना चाहिए कि मैं कितने नंबर का सिलेबस तैयार कर चुका हूं बच्चा घर पे बैठ के पढ़ रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि कितने चैप्टर हो गए हैं और कितने नंबर के हो गए हैं अब मैं जरा आपको बाकी के चार सेक्शन डिटेल में बताता हूँ बेटे कि चार सेक्शन क्या हैं क्या क्या वेटेज है इनकी ये देखो इंस्टीट्यूट ने सबसे पहला सेक्शन ये आपका पहला सेक्शन है बेटे ये फर्स्ट सेक्शन है ये।, ये अपना फर्स्ट सेक्शन है फर्स्ट सेक्शन है हाँ जी कितने मार्क्स का ट्वेंटी टू ट्वेंटी सिक्स मार्क्स का बीस से लेके छब्बीस नंबर लोअर साइड पे कितने हैं बीस और हायर साइड पे छब्बीस अगर मैं हायर साइड पे देखूँ तो एक बटा चार और अगर लोअर साइड पे देखूँ तो एक बटा पाँच आपके पेपर में एक बटा चार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ सकते हैं ट्वेंटी फाइव परसेंट के लिए पच्चीस नंबर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपसे पूछे जा सकते हैं पच्चीस नंबर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपसे पूछे जा सकते हैं और ये बात सारे बच्चों को पता है कि पहला क्वेश्चन आता है कंपलसरी बीस नंबर का सही कह रहा हूँ मैं पहला क्वेश्चन कंपलसरी बीस नंबर का और आगे पांच क्वेश्चन आते हैं बीस बीस नंबर के उसमें से चार करने होते हैं तो आगे वाले क्वेश्चन में तो फिर भी एक क्वेश्चन की ऑप्शन होती है लेकिन पहला क्वेश्चन तो आपका कंपलसरी है और ये बात भी डेड श्योर है कि पहला क्वेश्चन जो कंपलसरी आएगा वो ए में से आएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में से आएगा और जिन बच्चों के पेपर मे ट्वेंटी में, में हैं उनके लिए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंक्रीज हो गए हैं बढ़ गए हैं उनके लिए क्यों क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में से चार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उठा के सेकेंड ग्रुप में डाल दिए गए हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अगर आप गिनो मैं अगर इनकी नंबरिंग गिनूँ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नंबरिंग वाइज हो गए हैं जी तेरह और कितने नंबर के लिए बीस से लेकर छब्बीस नंबर के लिए अब सेकेंड ग्रुप में नंबर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं और ये तेरह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं है सर ये तेरह टॉपिक हैं आपके और सारे प्रैक्टिकल हैं थ्योरेटिकल हैं कंपलसरी क्वेश्चन में कोई भी आ सकता है ज़्यादातर इसमें से प्रैक्टिकल हैं थ्योरेटिकल थोड़े से कम है इसके अंदर लेकिन आपको तैयारी तो तेरह टॉपिक्स की करनी ही पड़ेगी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपने आप में एक टॉपिक है बेटे लेकिन मैं आपको कभी भी सेक्शन वन की तैयारी पहले रेकमेंड नहीं करूंगा मैं आपको सीक्वेंस बताऊंगा कि आपको कौन सा सेक्शन पहले लेना चाहिए कौन सा सेक्शन बाद में लेना चाहिए अभी मैं सिर्फ आपको सेक्शन की एक अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ और इसमें एक ऐसा सेक्शन है बेटे इसमें एक ऐसा चैप्टर है ये रहा एस ये अमेलगा का है इस पर बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है इस पर बीस नंबर तक का इंडिविजुअल क्वेश्चन आ सकता है अमेलगा का क्योंकि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी कवर हो रहा है और ये प्रैक्टिकल चैप्टर में भी कवर हो रहा है मैं आप, आपको दिखाता हूँ इंस्टीट्यूट इसको टॉपिक में भी कवर कर रहा है एएस में भी कवर कर रहा है आप ये मानो कि तेरह नहीं बारह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं आपके क्योंकि मैं इसको टॉपिक मानता हूँ इसको अलग सेक्शन में बताऊँगा आपको अभी तो बारह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं अमेलिका एक बार छोड़ देते हैं चलो हम कि ये चैप्टर्स में कवर हो जाएगा बारह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में से आपका बीस से पच्चीस पेपर पूछा जा सकता है लेकिन आपने इसकी तैयारी सबसे पहले शुरू नहीं करनी इसको अभी एक बार होल्ड करके चलेंगे हम ये हमारा बेटे सेक्शन टू है और सेक्शन टू की जो वेटेज है देख लो आप थर्टी थ्री टू थर्टी एट मार्क्स चालीस परसेंट ही मानो फोर्टी परसेंट मानो चालीस परसेंट पेपर आपका यहीं से बनने वाला है और आप हंसेंगे इस बात को देख के कि बैक दो दिन का काम है इस ऑफ में हार्डली तीन दिन का काम है तीन और दो पाँच पाँच और एक छः छः और चार दस अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहे रेगुलर रेगुलर अगर एक दिन में वो पेन ड्राइव से एक लेक्चर भी अटेंड करता है विद होमवर्क तो ये मैक्सिमम आठ दस दिन का काम है ये ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये एट टू टेन डेज में आप निपटा लोगे फिर इसमें है एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इसमें लग सकते हैं फोर टू फाइव डेज़ विद होमवर्क और एक है एमेलगा इसमें लग सकते हैं फाइव टू सिक्स डेज़ विद होमवर्क अगर आप पेन ड्राइव क्लास से पढ़ते हैं तो फेस टू फेस में टाइम ज़्यादा लग सकता है पेन ड्राइव क्लास में आपको पता है स्पीड आपके हाथ में है और प्लानिंग uh, आपके हाथ में तो आप ये मान के चलो कि ये चालीस नंबर का पेपर ट्वेंटी डेज़ के मार्जिन पर तैयार हो जाएगा आपका और ये बीस दिन मैं वो ले रहा हूँ जो आराम आराम से करने वाले हैं अगर कोई बच्चा ठान ले कि यार नहीं मेरे को तो पूरा दिन अकाउंट्स करना है तो वो दस बारह दिन में भी निपटा सकता है ये बीस दिन एक लेक्चर रेगुलर बेसिस पे करना है विद होमवर्क तो मेरे को लगता है बीस दिन के आसपास ये पूरा सेक्शन तैयार हो सकता है चालीस नंबर का सेक्शन चालीस नंबर का पेपर आपका तैयार है इसमें से ये तो एक दो तीन और ये चार ये चारों तो बिल्कुल आसान चैप्टर आसान चैप्टर हैं इंटरनल में और एमेलगामेशन में मेहनत है क्वेश्चन भी लेंदी हैं कॉन्सेप्ट्स भी काफ़ी सारे हैं ये थोड़े से दो चैप्टर जो हैं वो काम के हैं ये टाइम लेंगे आपका फिर भी 20 दिन के अंदर अंदर आप 40 नंबर का पेपर तैयार कर सकते हैं विद होमवर्क जो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन देते हैं प्रैक्टिस के लिए वो भी साथ में कर सकते हैं आप तो मैं बच्चे को सबसे पहले यही एडवाइस करता हूँ कि आप अपना सिलेबस सेक्शन वाइज देख लो इसमें कितने टॉपिक हैं एक दो तीन चार पाँच छः छः चैप्टर हैं इसके अंदर चालीस नंबर के छः चैप्टर हैं और पिछले वाले सेक्शन में क्या हो रहा था पच्चीस नंबर के बारह टॉपिक थे उसके अंदर ए वाले हमारा तीसरा सेक्शन सबसे छोटा है 12 से 16 नंबर और इसमें दो ही टॉपिक हैं एक तो बैंकिंग कंपनी और दूसरा एन एक बैंकिंग कंपनी और दूसरा एन और मैं बच्चे को सलाह देता हूं कि सबसे पहले इसको तैयार करना चाहिए 15 नंबर का पेपर आपका तैयार है बैंकिंग और एन बैंकिंग और एन और ये एक हफ्ते का काम है सेवन डेज दोनों चैप्टर एन में टाइम नहीं लगता बैंकिंग में टाइम लग जाता है सेवन डेज विद होमवर्क सात दिन के अंदर अंदर ये दोनों टॉपिक आपके तैयार हो जाएंगे आपने सेक्शन थ्री सबसे पहले उठाना है और सबसे पहले उठाना है बैंकिंग कंपनी बैंकिंग कंपनी लेंदी जरूर है लेकिन आसान है आपका इंटरेस्ट बनेगा इस चैप्टर से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा आपको बैंक्स के बारे में फिर उठाओ एन बी एफ सी दो चैप्टर तैयार हैं एक सेक्शन तैयार है कॉन्फिडेंस बनना शुरू हो जाएगा कि हमने चार में से एक सेक्शन कर लिया और आपका बारह से सोलह नंबर का पेपर तैयार है और सबसे पहले सेक्शन थ्री करना चाहिए आपको फिर आपको सेक्शन टू करना चाहिए जैसे सेक्शन टू आप कंप्लीट करेंगे फ़िफ्टी परसेंट पेपर आपका तैयार है क्यों अड़तीस अड़तीस और बारह पचास आधा पेपर आपका तैयार है और मुझे लगता है ये देखिए आप सात दिन में इसको दे रहा हूँ बीस दिन में इसको दे रहा हूँ अगर बच्चा रेगुलर पढ़ाई करने वाला है और मैं ये साफ़ कह रहा हूँ दोबारा से आराम आराम से पढ़ने की स्पीड है और होमवर्क साथ में निपटा के चलना है एक महीने के अंदर फिफ्टी परसेंट सिलेबस आपका तैयार हो सकता है और सारा दिन अकाउंट्स नहीं पढ़ना एक लेक्चर अटेंड करना है और थोड़ा सा होमवर्क करना है आपने तो अगर आप एडवांस अकाउंट्स को घर पे बैठ के पेनड्राइव से स्टडी कर रहे हैं और आप रेगुलर बेसिस पे तीन से चार घंटे दे रहे हैं बस तो आपका दो एक महीने के अंदर फिफ्टी परसेंट सिलेबस तैयार हो जाएगा पहले सेक्शन थ्री उठाओ फिर सेक्शन टू उठाओ जो बच्चे सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं उनको भी इसी इसी सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए दो सेक्शन आधा सिलेबस गया आपका वेटेज वाइज भी और चैप्टर वाइज भी फिर आपको आना चाहिए सेक्शन वन पे और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नंबर लगाना चाहिए सेक्शन फोर स्टार्ट नहीं करना पहले सेक्शन थ्री करो फिर सेक्शन टू करो फिर सेक्शन वन पे आ जाओ और ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स निपटाओ क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंपलसरी क्वेश्चन में आते हैं पच्चीस नंबर का पेपर और एड हो गया सेवेंटी मार्क्स का पेपर आपका तैयार हो जाएगा मेरी बात समझ रहे आप सेवेंटी फाइव मार्क्स का पेपर आपका तैयार हो जाएगा और इस पोर्शन में मुझे लगता है कि आप पंद्रह से बीस दिन में इसको कवर कर लेंगे पंद्रह से बीस दिन में ये तैयार हो जाएगा लेंदी पोर्शन है सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का टाइम देना पड़ेगा आपको और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके ऑडिटिंग के पेपर में भी काम आएंगे जब आप ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करेंगे तो इंटरव्यू जब अच्छी फॉर्म में देने जाएंगे तब भी ए बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे फाइनल में जब आप एनडीएस पढ़ेंगे तो उसके लिए भी ए का बैकग्राउंड चाहिए तो वहां पे भी हेल्प करेंगे इसको हल्के में मत लेना कंपलसरी क्वेश्चन तो है ही ये आपका एंड तक आपके साथ चलेगा और फाइनल में बहुत हेल्प करेगा बेटा आपको मेरी बात समझ रहे आप सेक्शन थ्री बैंकिंग एनबीएफसी सबसे पहले सेक्शन टू फिर सेक्शन वन सेवेंटी फाइव मार्क्स का पेपर तैयार हो गया और फिर आपने आना है सेक्शन फोर पे और सेक्शन फोर हमारा है पच्चीस से तीस नंबर का मात्र दो चैप्टर है इसके अंदर एक तो है होल्डिंग कंपनी और एक है पार्टनरशिप अकाउंट्स होल्डिंग कंपनी फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड है फिर से ए आ गया तो सेकंड ग्रुप में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की वेटेज बहुत ज्यादा है सर और इन दोनों में से भी आपने पार्टनरशिप पहले करना है होल्डिंग बाद में करना है पार्टनरशिप पहले करना होल्डिंग बाद में करना है क्योंकि पार्टनरशिप में बच्चे ने फिर भी थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ा होता है तो इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है पहले और पार्टनरशिप में आपके सिलेबस में क्या है सेकेंड ग्रुप के अंदर डिजल्यूशन है पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन है सेल ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म टू कंपनी है कन्वर्जन ऑफ अ फर्म इनटू कंपनी है अमेलगा ऑफ फर्म्स है वो नहीं है एडमिशन रिटायरमेंट डेथ वो नहीं है ना एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स हैं और जो बच्चे ग्रुप वन में पार्टनरशिप पढ़ के आए हैं उनको पता है कि मैंने तो इसमें भी एडमिशन रिटायरमेंट डेथ उन सब के क्वेश्चन मिक्स करके कराए हैं आपको और वो मैंने अपने मन से नहीं कराए पेपर में आए हुए पहले एडमिशन होता है फिर डिजोल्यूशन होता है या कंपनी बन जाती है पहले रिटायरमेंट होता है फिर कंपनी फिर पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो जाती है सेल हो जाती है तो हमने एडमिशन रिटायरमेंट डेथ के क्वेश्चन भी इसमें किए हुए हैं तो पहले पार्टनरशिप करनी है आपने और फिर आपने होल्डिंग कंपनी का चैप्टर करना है कंसोलिडेशन का ये चार सेक्शन है बेटे अगर आप घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं पेन ड्राइव से स्टडी कर रहे हैं तो आपको सेक्शन बाय सेक्शन स्टडी करनी चाहिए और जो बच्चे फेस टू फेस क्लास ले रहे हैं वो जिस टीचर के पास जा रहे हैं वो उनकी गाइडेंस में काम करेंगे तो बहुत बढ़िया लेकिन मैं तो उन बच्चों के लिए मतलब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो घर पर बैठ के सेल्फ़ स्टडी कर रहे हैं चाहे वो पेन ड्राइव से कर रहे हो या वो स्टडी मैट से कर रहे हो तो बेटे प्लीज़ अपने सिलेबस को पहले समझो चैप्टर्स को बांट दो कॉपी पे लिख लो कि कॉपी पे एक फ्लो चार्ट बना के रखो और जैसे जैसे चैप्टर होते जाएं सेक्शन में से काटते जाओ कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होता जाएगा आपको मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जो एग्ज़ाम्स के आसपास आपको चाह आप लोग कहते हैं मुझे कि सर मोटिवेट करो सिलेबस तैयार है सिस्टमेटिक आप तैयारी करके आए हैं अपनी रेगुलर स्टडी करो बेटे घर पे जब आप पढ़ते हैं तो रेगुलर स्टडी कसम खा लो एक टाइम फिक्स कर लो कि मैंने सुबह सात बजे से लेके और ग्यारह बजे तक अकाउंट्स करना है तो करना है करना है डिसिप्लिन है ये मेरी बात समझ रहे आप डिसिप्लिन स्टडी एक दिन मिस करोगे सिलेबस आपका एक दिन डिले हो गया ये मानो फेस टू फेस की क्लास आपकी कैंसिल हो गई तो प्लीज 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 प्लीज़ प्लीज, प्लीज, एक तो घर पे डिसिप्लिन आपको रखना पड़ेगा एक टाइमिंग फिक्स रखनी पड़ेगी सिलेबस को जानना पड़ेगा सिलेबस के चार टुकड़े करके रखो सेक्शन बाय सेक्शन पढ़ो और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जाएगा हाँ यार मेरा पेपर तैयार है होमवर्क करते रहो आर टी और पास्ट एग्जामिनेशन पहले नहीं करने पहले आपने मेरे दिए हुए दो मॉड्यूल करने हैं जब सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए फिर आप आर के क्वेश्चन चला के देखो कि मैंने आर में क्या बोला मैंने कुछ भी नहीं कराया मैंने तो सिर्फ क्वेश्चन की नंबरिंग बताई कि ये क्वेश्चन हमारी बुक में यहाँ पढ़ा है ये क्वेश्चन हमारी बुक में यहाँ पड़ा है आर टी पी एम टी पी कुछ है ही नहीं नया करवाने के लिए बस वो दो मॉड्यूल आप पढ़ लो जो आपको दिए हैं आपका काम फर्स्ट क्लास राइट थैंक यू वेरी मच टेक केयर बाय बाय गॉड ब्लेस यू बाय